गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ लयाल पब्लिक स्कूल. वंस अगेन आई एम शिल्पी भार्गव. हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एट होम एंड एंजॉय योर क्लासेस. स्टूडेंट्स, टुडे इज आवर इंग्लिश क्लास. ओके, इंग्लिश वन. सो क्विकली टेक आउट योर इंग्लिश बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 9, द एडवेंचर्स ऑफ पिनोक्कियो. यस, Who is Pinocchio? Do you know? क्या आप पिनोकियो के बारे में जानते हैं? Okay. Firstly, मैम आपको समरी बताती है इस लेसन की. That after मैम आपको स्टोरी सुनाएगी. ओके, वंस एन ओल्ड मैन नेम्ड Gattopio मेट अ बॉय आउट ऑफ वुड. एक बार की बात है ना, एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति था Gepetto, है ना, उसका नाम था. उसने क्या किया, एक लड़का बनाया, है ना, लकड़ी का. He named him Pinocchio. Okay, Pinocchio was a naughty boy, always making trouble. He ran away from school and joined a circus. After facing many hardships at the circus, Pinocchio wanted to go back home. Blue fairy tells him that Gattopio was eaten by a whale. Pinocchio also gets eaten by the whale and finds Gattopio there. They make the whale sneeze and get out alive. The blue fairy becomes happy with Pinocchio and make him a real boy. He promised to never run from स्कूल अगेन. क्या था, जो एक Gattopio नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसने सोचा कि वो लकड़ी का एक क्या बनाए, यस, लकड़ी का एक पपेट बनाए, है ना, और उसने उसका क्या नाम रखा, Pinocchio. और वो जो लड़का था वो बहुत शरारती था, बहुत शैतान था. वह स्कूल से भाग जाता था और सर्कस होता ना, उसमें शामिल हो जाता था. और सर्कस में भी उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन Pinocchio घर वापस नहीं जाना चाहता था. ब्लू फेरी उसे कहती थी, ब्लू फेरी ने उसे बताती थी कि जो वेल पेटो है ना, उसके द्वारा उसको खाया गया है. Pinocchio भी वेल द्वारा खाए जाते हैं और वहां Gepetto होते हैं. वे वेल को चीखते हैं और जीवित निकल जाते हैं, मतलब जिंदा उसको खा जाते हैं. ब्लू परी थी जो, वो Pinocchio के साथ खुश हो जाती थी और उसे एक खुश हो जाती है. उसकी जो मासूमियत होती है, जो उसकी शरारती, जो इनोसेंट है ना वो, तो उससे खुश हो जाती है और उसको वो एक असली, मतलब पहले तो वो पपेट था, लेकिन पपेट के बाद वो उसको क्या होती है, उसको खुश हो जाती है, तो वो उसको एक असली इंसान बना देती है, जैसे कि आप बोल रहे हैं. वह फिर कभी भी स्कूल से नहीं भागता था और फिर वो एक अच्छा बच्चा बन के रहने लग गया. ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेल स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ मैम आपको अब इसकी स्टोरी सुनाती है ना. इंटरेस्ट आ रहा है आपको स्टोरी सुनने में Pinocchio की? यस. Pinocchio एक लड़का था जिसकी जो नोज थी, जब भी वो झूठ बोलता था ना, तो उसकी वो नोज लंबी हो जाती थी, है ना. यस, तो मैम आपको इसकी स्टोरी सुनाती है. बहुत समय पहले एक Gepetto नाम का एक बढ़ई था. उसने कठपुतली से एक लड़के का आकार बनाया, उसका नाम रखा Pinocchio. उसने उस लड़के के असली होने की, मतलब उसमें प्राण डालने की कामना की, है ना, कि वो उसने सोचा कि वो एक असली लड़का बन जाए. परी ने उसकी बातें सुन ली और उसकी इच्छा पूरी कर दी. उसने कठपुतली से जीवन जोड़ा, मतलब जो कठपुतली थी उसमें प्राण डाल दिए. लेकिन वह चाहता था कि वह एक असली लड़का हो और हमेशा एक अच्छा लड़का बने. तो Gepetto उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन Pinocchio काफी शरारती बच्चा था, है ना, वह झूठ बोलता था और जब जब वो झूठ बोलता था, जो उसकी नाक थी वो लंबी हो जाती थी. उसने हमेशा वो हमेशा कहता था, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, लेकिन वो जल्दी से ही अपनी बात भूल जाता था और दोस्तों के साथ सर्कस में शामिल हो जाता था और उसके लिए वो स्कूल भी छोड़ देता था. जब
जपेटो उसको याद करता था। एक दिन उसने सुना उसके पिता एक बड़ी व्हेल ने निगल लिया है। उसने सुना कि उसके पिता ने एक बड़ी व्हेल को निगल लिया है। वह तुरंत व्हेल को खोजने गया। व्हेल ने उसे भी निगल लिया। व्हेल के पेट के अंदर पिनोकियो और जपेटो एक दूसरे को देखने लगे और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बाहर निकलने की योजना बनाई। व्हेल के पेट में गुदगुदी करने लगे। जैसे ही व्हेल ने अपना मुंह खोला और छींकी तो पिनोकियो और जपेटो फिसल गए और वे सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। परी पिनोकियो की बहादुरी से प्रसन्न हो गई और उसने क्या करा, उसको एक असली मतलब जो सांस ले सकते हैं, पपेट सांस थोड़ी ले सकते हैं, पपेट लिविंग थिंग थोड़ी होते हैं, लेकिन जब परी उस पर खुश हो गई तो उसने उसको लिविंग में बदल दिया, ह्यूमन में बदल दिया। उस दिन से वो एक अच्छा लड़का बन गया और हमेशा स्कूल जाने लगा और इसी तरह से जो फादर और सन है ना वो दोनों अच्छे से रहने लगे। नाउ इट्स टाइम टू रीड आवर चैप्टर। ओके यस नाउ स्टार्ट रीडिंग। Yes. Once upon a time, एक बार की बात है, a little old man, एक छोटा बूढ़ा व्यक्ति named Getepo, और उसका नाम क्या था, Getepo, got a piece of wood, उसको क्या मिला, एक लकड़ी का टुकड़ा मिला। He decided मतलब निश्चय किया या फैसला किया to make a puppet out of it and called it Pinocchio. उसने निश्चय किया कि वो इससे एक क्या बनाएगा, पपेट बनाएगा, कठपुतली। पपेट क्या होती है, कठपुतली बनाएगा और उसको क्या पुकारेगा, Pinocchio. Okay. Geppetto said seriously to work. सीरियसली मतलब गंभीरता से, मतलब उसने निश्चय कर लिया कि नहीं मैं ये काम करूंगा ही करूंगा। ओके टू वर्क, काम करने का उसने निश्चय किया गंभीरता से। टू मेक द हेयर, उसने उसके क्या बनाए, बाल बनाए, द फोरहेड एंड द आईज ऑफ पपेट, और क्या किया, उसने उसके बाल सेट किए, उसने उसकी आईज बनाई है ना पपेट की, कठपुतली की। ही नोटिस्ड दैट द पपेट्स आईज मूव, और फिर उसने क्या देखा कि पपेट की जो आंखें हैं, जो कठपुतली की आंखें हैं, वो हिल रही हैं, वो मूव कर रही हैं, है ना। और फिर एंड देन स्ट्रेट एट हिम, और वो उसे क्या कर रही है, उसे घूर रही हैं, क्या कर रही है, उसे घूर कर देख रही हैं, सीइंग दिस। ओके इस ये देखकर Getepo आस्क्ड बिग वुडन आईज, Getepo ने आईज से पूछा, बिग वुडन आईज, बिग मतलब बड़ा, वुडन मतलब लकड़ी, आईज आंखें, बड़ी लकड़ी की आंखें, व्हाई डू यू स्ट्रेट सो, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। ओके देयर वॉज नो आंसर, इसका कोई जवाब नहीं था। देयर वॉज नो आंसर, इसका कोई जवाब नहीं था। आफ्टर द आईज, आफ्टर द आईज, आईज बनाने के बाद Getepo made the nose. Getepo ने क्या बनाया, उसकी नाक बनाई। ओके विच बिगिन, सो विच बिगिन टू स्ट्रेच एज सून एज इट लाइव फिनिश्ड, उसकी नाक बनाई और जब वो विच बिगिन टू स्ट्रेच एज सून इट वॉज फिनिश्ड, जो खत्म होते ही खींचना शुरू हो जाती थी। इट स्ट्रेच्ड एंड स्ट्रेच्ड टिल इट बिकम सो लॉन्ग, और वह उस समय तक खींचती रहती थी जब तक वो खत्म, जब तक वो खींचता रहता था ना, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती थी। ओके इट स्ट्रीम्ड एंडलेस, इट स्ट्रीम्ड एंडलेस, और वो क्या थी, अंतहीन थी, एंडलेस थी, मतलब उसका एंड नहीं था। पुअर Getepo kept cutting it, but the more he cut, the longer grew that nose.
जो गरीब गड्ढे को उसे काटता, लेकिन जितना वो उसे काटता वह फिर बड़ी हो जाती, और फिर उसे काटता फिर वो बड़ी हो जाती. फाइनली ही लेट इट अलोन, फाइनली ही लेट इट अलोन, आखिरकार उसने उसको अकेले ही रहने दिया. नेक्स्ट ही मेड द माउथ, उसके बाद उसने क्या बनाया, उसका मुंह बनाया. नो snore had he finished it than it began to laugh at him. उसने उसका मुंह बनाया, जल्दी वो उसे खत्म करने लगा, इससे पहले वह हंसने लगा उस पर, उससे पहले वो उसके ऊपर हंसने लगा. Stop laughing, said Gattepin. Gattepin ने उसको बोला, stop laughing, हंसना बंद करो. Angrily, गुस्से से. Gattepin ने उससे कहा, गुस्से से, stop laughing. Okay, the mouth stopped laughing. और फिर जो मुंह था, उसने हंसना बंद कर दिया. But it struck out a longer tongue. लेकिन जो उसकी टंग थी, जो उसकी टंग थी, वो बाहर ही लटकी रह गई. So students, I hope that's enough for today's class. We will meet in next meeting. Till then, you read the chapter 2 times. Okay? We read next page in next meeting. Okay? Take care. Bye-bye.